ताजिया हो तो ताजिया के दिन भी हमारे भाई के साथ में नारे तकदीर अल्लाह अकबर बोलने के लिए आता हूं मैं। यहां अगर आपके बीच, आपको शायद पता होगा मैं हर ताजिए में हर जगह घूमा और हर जगह जाकर मैंने इनके साथ में ये नारा दिया। मैं मेरी संस्कृति में हमेशा इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं। मैंने यहाँ मौलाना के भी पैर छूके आशीर्वाद लिए हैं। मैं मेरी संस्कृति से, हमारी, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से आते होंगे, उत्तर प्रदेश से काफी लोग होंगे। हमारे यहाँ गाँव में एक मकान मुस्लिम का होता है तो एक मकान हिंदू का होता है। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं। कैसी संस्कृति से? जहां एक मुस्लिम का मकान तो एक हिंदू का, गुलाब भाई सही है ना? तो ऐसी संस्कृति से, और पहले भी हम इसी तरह रहा करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बांट दिया, हमें अलग अलग कर दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। वो उन किसी और के लिए है, ले इस्तेमाल के लिए। हाँ, ये इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल करने। हाँ बोले। नहीं चलेगा, जितने का नाम लिखिए। दिनेश भाई, आपको ये कौम ने शाल भी उड़ाई है, गुलदस्ता भी पेश किया है, और लेकिन ये कौम बहुत जल्दी बदला लेती है। ये जो आपको शाल उड़ाई है, इसके बदले में हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए और हमारी ये हुकूमत के जरिए कब्रिस्तान खाली होना चाहिए, समझे कि नहीं? इसलिए कि हमने आपको शाल उड़ाई है, अंदर जो दफन है बेचारे मरहूम लोग, बड़े बड़े शहदा दफन है, बड़े बड़े मरहूम दफन है, आप उनके ऊपर चादर डालिए और उनके ऊपर फूलों की जो है ना आप माला डालिए, आपके हाथों से ये कब्रिस्तान खाली हो गया तो ये समझ लीजिए कि जितने लोग अंदर दफन है उनके ऊपर आपने फूल बरसा दिए। और हम उम्मीद रखते हैं आपके जरिए और आज की हमारी इस गुजरात की हुकूमत के जरिए इंशाल्लाह ये काम होगा, इंशाल्लाह। मैं इस आवाम को अस्सलाम वालेकुम करता हूं। आज यहां कारी अहमद अली ने खूब अच्छा इस्तकबाल कर आप लोगों को धर्म के बारे में जानकारी दी कि हमारा जो तबलीग जमात है, ये जमात, जितने अलग अलग जमात में हम लोग बटे हैं, उस जमात में अलग अलग ना होकर हम एक हो, नेक हो, ऐसी खूब अच्छी बात उन्होंने स्टेज पे से रखी है। मैं इस स्टेज पर बैठे हुए सभी मौलाना और सभी को, इस पूरे स्टेज को, खास कर हबीब मौलाना, मैं मेरी संस्कृति में हमेशा इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं। मैंने यहाँ मौलाना के भी पैर छूके आशीर्वाद लिए हैं। मैं मेरी संस्कृति से, हमारी, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से आते होंगे, उत्तर प्रदेश से काफी लोग होंगे। हमारे यहाँ गाँव में एक मकान मुस्लिम का होता है तो एक मकान हिंदू का होता है। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं। कैसी संस्कृति से? जहां एक मुस्लिम का मकान तो एक हिंदू का, गुलाब भाई सही है ना? तो ऐसी संस्कृति से, और पहले भी हम इसी तरह रहा करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमें बांट दिया, हमें अलग अलग कर दिया। मौलाना साहब ने अभी अपने उसमें कहा कि भाई अजमेर शरीफ जी को मतलब आना था तो उन्हें हिंदुस्तान आने के लिए कहा गया। एक बहुत बड़ी बात है हमारा हिंदुस्तान। मैं आप सब लोगों को यह बताऊंगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान से भी ज्यादा यदि कहीं मुस्लिम बसते हैं तो हिंदुस्तान में बसते हैं। कहां बसते हैं? हिंदुस्तान में। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि कोई सुखी मुस्लिम कौम है तो मेरे हिंदुस्तान में है मौलाना साहब। पूरे विश्व में, मैं आपको विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में इस संविधान में एक ऐसी हमें ताकत दी है कि हमारे यहाँ हर किसी को एक अपनी जगह दी गई है। हमें, हमारा देश संविधान पे चलने वाला देश है। अभी मेरे बारे में काफी बात की, मैं वोट की राजनीति नहीं करता। मैं यदि वोट की राजनीति करता तो मैं आपके बीच नहीं होता। अभी मुझसे काफी उम्मीदें आप लोगों ने लगाई है। मैं हमेशा, यदि ताजिया हो तो ताजिया के दिन भी हमारे भाई के साथ में नारे तकदीर अल्लाह अकबर बोलने के लिए आता हूं मैं। यहां अगर आपके बीच, आपको शायद पता होगा मैं हर
ताजिए में हर जगह घूमा और हर जगह जाकर मैंने इनके साथ में ये नारा दिया। तो हमारे यहाँ ये हिंदुस्तान में हर चीज में एक अलग तरह के पूरे विश्व में यदि कोई ताकत रखता है तो हिंदुस्तान के पास ये ताकत है। हमारे यहाँ टीम में यदि कोई जीत दिलाता है तो कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। तो टीम की जीत सबसे ज्यादा विकेट किसने ली? समी ने ली। किसने ली? समी ने। किसने ले ली विकेट? समी ने ली। तो इस देश में इस तरह की संस्कृति है। ये देश अलग अलग मजहब अलग अलग कौम से बना हुआ देश है। इस देश को पूरे नबी ने भी इसे पसंद किया। ऐसा ये देश जहां आप रह रहे हो आप खुश नसीब हो कि हमें इस भारत में इस हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसी जगह जो उम्मीदें आपने मुझसे लगाई है हमारे ये कमेटी ने सबने मिलकर ये एक मुहिम चलाई है कि कब्रिस्तान में जहां मुर्दे रहते हैं वहां जिंदों को नहीं रहना चाहिए। तो ये बात जो है ये हमारी कौम को स्वीकारनी पड़ेगी कि जहां और इसके लिए कई बार प्रयास हुए हैं और हर बार इस बार जो इन्होंने प्रयास किया है बहुत बेहतरीन प्रयास किया है। और सभी इस कमेटी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार इस कमेटी को सफलता मिलेगी। उस सफलता में अल्लाह ताला ने मुझे भी एक पदवी दी है छोटी सी कि मैं भी आपके साथ शरीक हूं। ऊपर वाले ने मुझे भी ये तक दिए कि भाई आप जाओ क्योंकि इसी समय पे ये जो आपने मुहिम छेड़ी है उसी समय मुझे यहाँ MLA बनाया है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। यहाँ जो भी होता है वो मौलाना साहब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो ऊपर वाले की मर्जी मैं आपके साथ शरीक हूं। मैं आपको ये पक्का वादा करने आया हूं कि ये जो आपकी मुहिम है उसमें मैं आपके साथ सहयोग देकर इस अच्छी सी मुहिम को पूरा करूंगा और कब्रिस्तान में जो जिंदे लोग बसते हैं उन्हें बाहर करेंगे हम और जहां जिसकी जो जगह है वो जगह उन्हें देंगे। और यहाँ हमारे मौलाना साहब आ गए हैं और मैं ज्यादा ना बोलकर हमारे जब सूरज आया है तो चांद और सितारों को छुपना पड़ेगा। सूरज यहाँ आ गया है और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो आए और आकर यहाँ तशरीफ करें। मैं उन्हें नमन करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं और मैं आपको ये वादा देता हूं कि जो भी मुझ पर आपने जवाबदारी दी है मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। ऊपर वाले से मैं ये मन्नत करता हूं कि भाई मुझे वो शक्ति दे और मैं आपके हर काम में आपके शरीक हूं। मुझे यहाँ बुलाकर मुझे मौका दिया, मेरा इस्तकबाल किया, इसीलिए मैं सबका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। सलाम वालेकुम। ये गुलाब खान बीच रस्ते में बोल रहे हैं कि भाई ब्रॉड रोड, तो आपने देखा होगा कि यहाँ क्या 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 हिसाब था। यहाँ लोग निकल नहीं पाते थे, यहाँ निकल नहीं पाते थे और क्या व्यवस्था थी। मेरी बात गलत है क्या? यहाँ लोग निकल नहीं पाते थे, इतनी अच्छी व्यवस्था की है तो थोड़ी तकलीफ होगी। रोड भी इंशाल्लाह खूब बढ़िया रोड बनेगा। गुलाब खान को मैं वादा करता हूँ बार बार गुलाब खान, क्योंकि गुलाब खान का घर भी इसी रास्ते पे आता है तो इसलिए वो ज्यादा रोड कर रहे हैं। वो अवश्य हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत 1.5 साल हो गया इसके लिए कहना पड़ा दिनेश भाई, बाकी रोड बनाओगे आप? 1 साल हुआ है मेरा बने यार, क्या 1.5 साल इतना झूठ, इतने स्टेज पे इतना झूठ बोल रहे गुलाब खान। बोलो भैया पार्टी का मामला नहीं है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।